वे सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में होने वाले चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी बयान दिया है। अखिलेश यादव जी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में सहज पराजय स्वीकारने तैयार नहीं जी। वो चार चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा के दो और लोकसभा के दो जी। लेकिन उन सारे विषयों पर आकलन नहीं करेंगे, घर परिवार पार्टी गठबंधन इन सारे विषयों पर वो नहीं सोचे। पहले वो ईवीएम पे आरोप लगाते थे कि साहब ईवीएम में गड़बड़ हो गई। अब कहीं ना कहीं चुनाव में पराजय उनकी सुनिश्चित है और इसका आभास उन्हें भी है। कोई भी अपराधी है जो अपराध करेगा, अनैतिक कार्य करेगा और हमारे विधि सम्मत काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ सबके कार्रवाई की जाएगी, किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, हम लोग कानून सबके लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।